वक्त बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। दीपक अंधारे को मुख्यमंत्री का निजी सहायक बनाया गया है, तो रविकांत मिश्रा ओएसडी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उमेश अग्रवाल ओएसडी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और डॉक्टर सुभाष सिंह भी ओएसडी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो रविकांत मिश्रा, उमेश अग्रवाल और डॉक्टर सुभाष सिंह को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया है, तो वहीं दीपक अंधारे को मुख्यमंत्री का निजी सहायक बनाया गया है। और स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अब नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, आदेश जारी कर दिए गए हैं, कौन निजी सचिव होगा और कौन ओएसडी होगा, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल अली जी, देखिए काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, चूंकि 3 तारीख को नतीजे आ गए थे, 13 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी। अब उनका सेक्रेटरिएट कैसे होगा, कौन ओएसडी होगा, कौन निज सहायक होगा, कौन सेक्रेटरी बनकर आएगा, इसकी लगातार उथल पुथल गलियारों में थी, राजनीतिक गलियारों में। और आज देखिए ऑर्डर भी आ गया है, निश्चित तौर पर देखिए 3 ओएसडी बनाए गए हैं, एक निज सहायक जो अंधारे जी हैं वो निज सहायक कांसाबेल के रहने वाले हैं, जशपुर के वो, सूरजपुर से एक नियुक्ति हुई है। उमेश कुमार अग्रवाल जो है वो पहले आईएएस रह चुके हैं, संविदा नियुक्ति करके उनको दिल्ली से रायपुर बुलाया गया। तो देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से 3 ओएसडी उनके बनाए गए और एक निज सहायक दीपक अंधारे को उनका बनाया गया। तो पहली नियुक्ति है मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए, अब शायद और तेजी आएगी आगे कामकाज में। अब ये भी इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बाकी भी जो बहुप्रतीक्षित सूचियां हैं, चाहे मैं कलेक्टर्स की बात करूं, एसपीज की बात करूं या उनके जो सचिव हैं मुख्यमंत्री के, कौन होगा मुख्यमंत्री का सचिव, ये भी नियुक्तियां जल्द हो जाए ऐसी उम्मीद सब जाहिर कर रहे हैं। ओएसडी तीन तीन बनाए गए, कोई खास अलग अलग जिम्मेदारी इनको दी जाएगी? देखिए ओएसडी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है जी। 3 ओएसडी पिछली बार जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल ने, उन्होंने भी 5 से 6 ओएसडी अपने रखे थे। तो देखिए ओएसडी तो अलग अलग रहते हैं कि कई डिपार्टमेंट्स के आधार पर, किसी को वित्त दिया जाता है, किसी को पार्टी लोगों के मिलने के लिए समय वो निर्धारित करते हैं, अलग अलग जवाबदारी अलग अलग ओएसडी को दी जाती है। उसी कड़ी में देखिए अभी फिलहाल 3 ओएसडी बनाए गए, आगे 2-3 ओएसडी और बनाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस पूरी जानकारी।